हेलो फ्रेंड्स, हाय, नमस्ते, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको प्याज, हरा शिमला मिर्च और गाजर की सब्जी बताने वाली हूँ, जिसके लिए आपको चाहिए मस्टर्ड ऑयल, हरा मिर्चा जिसे हमने काट रखा है, लहसुन, नमक, पाव भाजी मसाला, धनिया पाउडर, ये नारियल का बुरादा, ये लाल मिर्च पाउडर है तीखा करने के लिए, वो फ्राइड राइस मसाला है। अगर आपके पास हो तो डालिए, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है, ये ऑप्शनल में है। अब चलिए बना लेते हैं। कढ़ाई हमने चढ़ा दी है, उसके बाद इसमें आप तेल डालिए, एक चम्मच बड़ा वाला, अगर कम लगे तो और डाल दीजिए, तेल गर्म हो जाए उसके बाद आप सब्जी डालिए। इसमें लहसुन, देखिए हमारा तेल गर्म हो गया है, आँच मीडियम रखिएगा गैस। हरी मिर्च अपने स्वाद अनुसार, जितना तीखा पसंद हो, आप इसमें कड़ी पत्ता भी डाल सकते हैं। लहसुन थोड़ा सा पक जाए उसके बाद आप इसमें सब्जी ऐड कीजिए। गाजर हमेशा पतला काटिएगा, जल्दी पक जाएगा। सब्जी एक मिनट चलाने के बाद आप इसमें नमक डालिए, फिर सब्जी अच्छे से मिला लीजिए। उसके बाद आप इसमें हल्दी डालिए हल्का सा, इससे कलर अच्छा आता है और फायदेमंद भी होता है। अब इसे ढक देते हैं, बीच बीच में चेक करते रहिएगा और गैस मीडियम ही रखिएगा। आइए चेक करते हैं, देखिए यह आधा पक चुका है, आप ऐसे ही चेक कर लीजिए। अब इसमें हम मसाला ऐड कर लेते हैं। सबसे पहले मिर्चा पिसा हुआ स्वाद अनुसार, ये सारे मसाले आपको आधा चम्मच ही ऐड करना है। फिर पाव भाजी मसाला, फ्राइड राइस मसाला, फिर धनिया पाउडर। अब इसे मिला देते हैं, अच्छे से लगभग 5 मिनट से पकाइए। देखिए हमारी सब्जी तैयार हो गई है और आप अब इसे सर्व कर सकते हैं। सर्व करने से पहले आप इसमें नारियल का बुरादा डालिए, इससे टेस्ट बढ़ जाता है। घर पे जरूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही जल्दी बनता है और बहुत ही हेल्दी है। और अगर हमारी रेसिपी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, हम ऐसे ही नए नए रेसिपी अपने चैनल पर लाते रहते हैं। थैंक यू।